ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भी जोर आजमाइश तेज कर दी है। कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करें तो बीजेपी से टिकट ना मिल पाने के कारण निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे टीका प्रसाद मैखुरी ने कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर में दर्शन कर नगरी में रोड शो कर जनता से आशीर्वाद लिया। टीका प्रसाद मैखुरी ने मुख्य बाजार, पेट्रोल पंप, उमा देवी चौराहा आदि जगहों में स्थानीय दुकानदारों और जनता से मिलकर वोट की अपील की है। कर्णप्रयाग के देवतुल्य जनता से एक ही अपील है कि ये उनके पक्ष में आपका मतदान नहीं, रक्तदान होगा। ये उनका उनके लिए आपका रक्तदान से भी बढ़कर होगा। और सबसे मैं निवेदन करूंगा कि कैंची चुनाव चिन्ह पर अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी निवेदन के साथ मैं कर्णप्रयाग की जनता को अपना प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब मेरी तरफ उमड़ रहा है, उससे आप निश्चित समझ सकते हैं कि ये बदलाव का समय है और लोग बदलाव चाहते हैं। जिन लोगों को पिछले 20 सालों से लोग देख चुके हैं, उनकी कार्यशैली को वो देख चुके हैं। वो एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ अपना विधायक चुनना चाहते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। काशीपुर में एक नामी व्यापारी और आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली के करीबी रिश्तेदार के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। रामनगर रोड पर देवस्थली में रहने वाले रघुनाथ अरोरा के घर आयकर विभाग की यह छापेमारी अभी तक चल रही है। वहीं आप नेता ने इस छापेमारी को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार के लोगों को परेशान करने और उनके चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जो आप देख रहे हैं कि आज इनकम टैक्स का छापा है, तो ये जो हरकतें हैं ये कोई बहुत बढ़िया नहीं है। ये घटिया राजनीति है और राजनीति से प्रेरित है। अंदर क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैंने साहब से कहा, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, हमारे को इन्फॉर्मेशन थी, हम तो इसलिए आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीति है मेरे लोगों को परेशान करने की। वही लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता स्थित हल्दूधार निवासी बीजेपी महिला नेत्री और बूथ अध्यक्ष रेखा आर्य ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बीजेपी से इस्तीफा देकर लालकुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की भावना के विपरीत लालकुआ विधानसभा सीट पर टिकट का वितरण किया है। उत्साह, मेरा उत्साहवर्धन है, क्योंकि मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी यही पार्टी है और ये सब जनता, जो महान जनता है इस विधानसभा की। रोजाना इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के, रेखा जी आर्या के और अन्य लोगों के साथ यहाँ मेरे साथ उन्होंने मेरा समर्थन किया है। ये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। और इस विधानसभा में अच्छी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। ये सब यही एक आज देखने का आप सबके सामने नज़ारा है। हम विधानसभा भारी बहुमत से जीतने की ओर है। नैनीताल के विधानसभा चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त सामान्य प्रेक्षक अंतर सिंह नेहरा, बीएच तलाती और सत्यनारायण राठौर के नेतृत्व में 74 माइक्रो और ऑब्जर्वर को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अजय सिंह की तरफ से दिया गया। अजय सिंह ने पर्यवेक्षकों को अवगत कराया कि माइक्रो ऑब्जर्वर अभी विधानसभा में नियुक्त किए गए हैं, जो पोलिंग बूथों की आवश्यक व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। किच्छा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। रुद्रपुर से आई कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर कार सवार टोल कर्मियों से उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। मामला तूड़ पकड़ने लगा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें दो कर्मचारी जख्मी हो गए। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।